इसी वक्त आज ही के दिन 1 मई थी, मुझे अच्छे से याद है कमलनाथ जी, आज 30 तारीख है, 1 तारीख को प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, 5 साल हो गए बरोबर, मैं भी उस दिन कार्यकारी अध्यक्ष बना था, तो उस समय इनको संबल याद आ रहा था, संबल संबल की योजना, ऐसे ही पंडाल लग रहे थे, ऐसे ही शामियाना सरकारी सज रहे थे, ऐसे ही शिवराज जी का भाषण चल रहे थे, जब लाडली लक्ष्मीनी थी, लाडली लक्ष्मीनी जब संबल था, संबल संबल किसका, बिजली के बिल 100 रूपया, भैया कितने के आते हैं संबल में 100 रूपया बिजली के बिल, अरे कितने का आवे 100 रूपया, बोली बताओ कोई का आवे कहीं, अरे पहला संबल में कहीं था, जन्म लेने से लेकर मरने तक मामा है ना, अब नरा मरी गया मामा दिखो जी, व्यापम में मरिया कि नहीं मरिया, एक मैं कोविड में मरिया कि नहीं मरिया, व्यापम में मरिया कि नहीं मरिया, आत्महत्या में नया बच्चा ना मरे कि नहीं मरे, जन्म से लेके मृत्यु तक मामा है संबल। इतनी बातें संबल के जरिए करी, बेटियों के लड्डू की करी, बेटियों के जापे की करी, क्या मालूम क्या क्या बातें करी, पर आज वो संबल याद नहीं है उनको, अब क्या याद है, अब क्या याद है, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना। शिवराज जी आप अगर थोड़ी सी भी आप में ईमानदारी हो तो लाडली बहना की फिक्र हो, हम आपका यही गरीबनाथ जी की धरती पर नागरिक अभिनंदन करेंगे। गैस की टंकी 1150 की है, 1150 की है, तो 150 में दीदो 1000 माफ कर दो तो मानागा कि मामू सबको भाई है, मूर्ख बनाना, फॉर्म भरवाना, 7 से ऊपर देंगे नहीं, 20 से नीचे देंगे नहीं, और वोट दे दो, वोट वोट के लिए लाडली बहना योजना, जब आप ये बना सकते हो तो किसान को 5 साल पहले जब 1780 रूपये का भाव था, इस हिसाब से 18 x 2 = 3800 रूपये का गेहूं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जब 3800 रूपये का आपने कहा डबल इनकम करेंगे, यही समय था जब शेरपुर में आदरणीय आदरणीय देश के प्रधानमंत्री सीहोर में ही उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो भैया सीधो साधो गणित है, जो हमारा कहना चार्ट है, ये चार्ट ये मैंने गूगल से निकाला अभी इसी वक्त चेरेन भैया से, इसमें था 2015-16 में 1525, 2016-17 में 1625, 17-18 में 1735, 18-19 जब चुनाव हुआ था, जब था 1840 रूपया, 18 × 2 = 3800 रूपये का गेहूं बिकना चाहिए, ये है डबल इनकम, किसान की डबल आय। जब ये विधानसभा में हमने पूछा कि भैया हम सर्वसम्मति से सारे विधायक मिलकर एक प्रस्ताव पास करें कि किसान की आय दुगनी नहीं हुई, कोई बात नहीं, सारे खून माफ, पर आप अनाज 3000 रूपया कर दो। आदरणीय किसान भाइयों, ये घर घर जाने वाली बात है, मैंने यही नहीं कहा, तो किसान सारे कांग्रेस के विधायकों ने इसका समर्थन किया, पर बीजेपी का एक विधायक नहीं उठा, ये इंदर परमार जो पास का विधायक है आपका मंत्री, ये विरोध कर रहा था, जब मैंने उनसे कहा कि मंत्री जी विरोध मत करो, मैं ये वीडियो गांव गांव जाकर बताऊंगा कि 3000 रूपये क्विंटल की जब बात चल रही थी आपके जिले में तो आप विरोध कर रहे थे, तो इन्होंने कहा जाओ जाओ तुम यही बात करोगे गांव में तो जाके बताओगे ही नहीं, अब आप लोग ये वीडियो के माध्यम से गांव गांव बताओ कि अगर इंदर परमार जी मंत्री हैं, यहाँ से विधायक थे, आपने चुन के भेजा, किसान के बेटों ने चुन के भेजा, बीजेपी के किसान के कार्यकर्ता बीजेपी को वोट देता है वो भी किसान है, 3000 रूपया क्विंटल होगा तो उनके घर में भी, जब मामेरो करेगा तो बुरवाड़ी टोपी लाऊंगा, और अगर 1500 में बेचोगे तो काली टोपी भेजनी पड़ेगी, तो भेजनी पड़ेगी, अगर नहीं करोगा 1500, 1600, 1700 में बिकेगा तो पातलो लाल वाला टुवाल मामेराम भेजना पड़ेगा, गलत तो नहीं हो, जब हम अपने जवाई के लिए
लाल वाला टुवाल लेके जाए तो फिर परमार साहब को वोट किस बात का, बीजेपी को वोट किस बात के। मैं मध्य प्रदेश के सभी किसान भाइयों से जो बीजेपी को वोट करते हैं निवेदन करता हूं, आपके विधायक जिनको आपने चुना मेहनत की रात दिन, जब उसको ये बात सर्वसम्मति से पास करने की बारी आई कि हम सब मिलकर गेहूं का भाव 3000 कर दें, तो इन्होंने हाथ खींचा है, इन्होंने बीजेपी सर पे रखी है, किसान के दर्द को सर पे नहीं रखा है। याद रखो ये बात सब घर घर गांव गांव वीडियो के माध्यम से जानी चाहिए। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने नहीं रखा तो उनसे नफरत करनी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि बीजेपी के लोगों से नफरत करना है, मैं उसमें से हूँ कि वो जब आए तो उन पर दबाव बनाओ कि भैया 3000 रुपया क्विंटल निकालिए कर लू चाहिए कि मुख्यमंत्री ने 2018 में, प्रधानमंत्री ने 2018 में डबल इनकम की बात की थी, यानी गऊ 5 साल में डबल बिकेगो तो वो 3900 रुपया बिकनू चाहिए, तो अभी हम खाली 3000 मांगी रहे, कहीं अन्याय तो नहीं है, यो गलत तो नहीं कर रहे हूँ। बात अब बीजेपी के लोग और करते हैं, अरे तो चुनावी बातें हैं, जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी चुनाव आ गए तो 3000 रुपए का राग लेके आ गए, ये बात करते हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ, ये चुनावी बातें नहीं है, ये लड़ाई शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री है उनसे हो रही है, बीजेपी की सरकार प्रदेश की सरकार है उससे बात की जा रही है, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती प्रदेश की होती है, मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता प्रदेश का होता है। आपने लूट के बने खरीद के बने बन गए, आप हमारे हो, प्रदेश के हो, किसानों के हो, जब आप किसान को अपना भगवान कहते हो तो उसकी पूजा तो करो ना भैया, बिना काम से एक लोटा जल और सारी समस्या का हल से काम नहीं चलेगा, एक लोटा जल और पंडित को चाहिए 3000 रुपए क्विंटल तब चलेगा। आप ये बताओ कि नहीं सच है, सच है भाई, अभी बात ये है कि बातें करने को बहुत है, मन की बात आज प्रधानमंत्री जी ने करी, प्रदेश में बीजेपी ने आयोजन किया कि सब सुनो मन की बात, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठे कर करके मन की बात 100वां एपिसोड, 100वां, तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी आपने मन की बात में 2 करोड़ रोजगार की आज तक 100 बार में बात क्यों नहीं की। प्रधानमंत्री जी आपने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होगी 100 बार में 1 बार भी बात क्यों नहीं की। प्रधानमंत्री जी आपने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्या मालूम कौन कौन से नारों की बात अब 100 एपिसोड में क्यों नहीं की। आपने प्रधानमंत्री जी जो कोविड में परिवार के लोग तड़प तड़प के मर गए 1 बार भी उनकी मन की बात आपने क्यों नहीं की 100 बार में। आपने 100 बार में ये बात क्यों नहीं की कि अडानी से आपके क्या रिश्ते हैं। आपने 100 बार में मन की बात में 1 बार भी बात क्यों नहीं की कि प्रधानमंत्री जी मैंने 15 लाख काला धन ऐसे ही मिल जाएंगे उस पे उस सवाल को 1 बार मुंह से क्यों नहीं निकाला। आपने नई नई बातें की, आपने पुलवामा में 40 शहीद जवान शहीद हो गए उस पे आपने पिछले चुनाव में कहा कि एक वोट उन शहीद जवानों के लिए, पूरे देश ने आपको वोट दे दिया, पर उन शहीदों के की शहादत जिस दिन हुए उस दिन जो राज्यपाल था उसने पूछा और कहा कि ये शहादत किसकी गलती से हुई इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, ये आपने मन की बात में क्यों नहीं की प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं की। आप प्रधानमंत्री हमारे हो, देश के हो, देश ने चुना, भारी भरकम चुना, शेरपुर में आपके कहा था मैं 2022 तक दुगनी आय करूंगा, मन की बात में क्यों नहीं की प्रधानमंत्री जी आपने, क्यों नहीं की। अरे ये बताओ आपने इस दिन 15 अगस्त को जैसे ही प्रधानमंत्री बने 3 साल 4 साल पहले आपने रो के कहा, आंसू बहा के कहा कि मैं एक याचना करता हूं, पर मन की बात में क्यों नहीं कहा कि ये बेटियां क्यों रोड पे बैठी है दिल्ली में। अरे प्रधानमंत्री ने, राहुल गांधी ने कहा कि देश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस चली गई पूछने की बताओ कौन से बहनों के साथ बलात्कार और अन्याचार हुआ, देखा होगा आप लोगों ने। मैंने 15 का अनाज देता हूं,
अरे वो गेहूं और अनाज पैदा कौन करता है? किसान। अरे कौन करता है? तो फिर छाती पीटते हैं फ्री का अनाज बांटने में, और किसान को अधिकार देना है तो पूछ नीची कर देते हैं, ये तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। अरे नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा। अब बात बीजेपी की, के परिवार के लोगों से, इसको कांग्रेस बीजेपी के तराजू में किसान भाइयों मत तोलो, तो उसका सत्कार करो, स्वागत करो, नागरिक अभिनंदन करो, नहीं तो फिर कमलनाथ से हम ये 3000 रुपया क्विंटल लेंगे। किससे लेंगे? कमल की सरकार नहीं करेगी तो किससे लेंगे? कमल की सरकार नहीं करेगी तो किससे लेंगे? और आखिरी बात देखो भैया, यह बात तुम्हारे समझनी पड़ेगी, बीजेपी का भी रोकना का समझनी पड़ेगी, कि ईमानदारी को कोई थर्मामीटर नहीं हो, बुखार नापने को थर्मामीटर है, माथा का झूठ बोलो तो डिटेक्टर ना अलग अलग तरह का आया मशीन ना, कि सच पकड़ ले अपराधी ना से पकड़ा कि नहीं पकड़ा, पर ईमानदारी को कोई थर्मामीटर नहीं बने, पर नेता तुम्हारा ईमानदार चाहे सही है गलत है? सही है। अरे भैया अभी जब सरकार बदली तो सबको मालूम है, कोई ने 20 लिया, कोई ने 30 लिया, कोई ने 40 लिया, कोई ने 50 लिया, यो कुणाल 25 तो ली सकते हो? अरे ली सकते हो कि नहीं ली सकते हो? अच्छा ये अरबपति तो है नहीं कि बड़ा बड़ा बंगला है, नसोहन उसोहन 200 बीघा जमीन है, काला पीपड़ मासी स्थिति तो नहीं है? नहीं है। तो भैया 25 करोड़ में 200 बीघा तो जमीन नहीं जाती है काफी आती की परीक्षा समय समय पर। अरे हूँ आज मान लो गृह मंत्री बने देता और गांव को मंत्री बने देता, बीजेपी में चली जाती नहीं कहता? अरे मूर्ख सभी 25 करोड़ में बिकी कहता भी नहीं कहता। सिंधिया जी जैसा कहता, जिंदा हो तो जिंदा रहना जरूरी है, दिखना जरूरी है। मैं प्रदेश के हित में मैंने सरकार गिराई है, मैं सेवा के लिए सरकार गिराई है, मध्य प्रदेश के भविष्य बनाने के लिए सरकार गिराई है, मैं कोई पद नहीं लूंगा। मैंने सड़क पे आ गया मैं अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों के लिए, सड़क पे आ गया मैं ऋण माफी किसानों की निवेश के लिए, इसके लिए सरकार गिराई, पद लेना ही नहीं था, मंत्री बनना ही नहीं था, अब भी मंत्री है नहीं है सिंधिया जी, अगर भी है यह बात कही जैसे मना की अब नीचा से कहीं होगा तो भैया ले रहे लियो कि नहीं लियो? अरे लियो कि नहीं लियो? शिवराज जी कहते हैं जब मैंने पहले दिन जैसे ही हमारे 9 आए और कांग्रेस के 114 आए, मैंने राज्यपाल जी को अपना इस्तीफा भेज दिया, मेरे विधायकों ने मेरे मंत्रियों ने कहा कि हम व्यवस्था कर लेंगे, पर मैंने अपनी आत्मा से कोई सौदा नहीं किया, मैं रह लिया मुख्यमंत्री, बहुत सेवा कर ली, अब आवश्यकता है कि मैंडेट को माने। मैंने उसी वक्त राज्यपाल जी को 2 बजे रात को मन बना लिया और सुबह उठ के इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस की सरकार बनाई, पर जब देखा कि सब तरफ अराजकता है, प्रधानमंत्री जी ने कहा तो मध्य प्रदेश को जाना पड़ेगा, मतलब किसने कहा? मोदी जी ने। तो फिर हमने निर्णय लिया सिंधिया जी के साथ, ऐसे सिंधिया जी खड़े उनके साथ निर्णय लिया कि हम प्रदेश को बनाएंगे। जैसा जी हमने प्रदेश की सरकार बनाई तो 2 लाख करोड़ को कर्जो थो, वो 4 लाख करोड़ को कर्जो, कितना कर्जो? 4 लाख करोड़ का कर्जा शिवराज जी ने कर दिया, सेवा ऐसी की, सरकार ऐसी बनाई, मध्य प्रदेश ऐसा बचाया कि 2 लाख करोड़ के कर्जे को 4 लाख कर दिया। तो यह बात अपने सबको समझनी पड़ेगी, यह लड़ाई खाली किसान की है, यह लड़ाई कांग्रेस बीजेपी का विचार से बड़ी है, यह मुख्यमंत्री और सरकार बढ़ाने से भी बड़ी है, मंत्री और विधायक बढ़ेगा और जाएगा और आवेगा, पर किसान का घर में अगर 3000 रुपया क्विंटल का भाव आवेगा तो बुर वाली टोपी आवेगी, जाड़ा वालो टावेल आवेगो, ये ध्यान रखो दो। और किसान का घर में योज चलते रहो, लाडली बहना का एक में 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ का भाषण याद सभा अगर शिवराज करता तो कितना को खर्चो था पता है? ना करा है नहीं भी रोज कितना खर्चो कर हे पढ़ो मंच, आजकल मंच ऐसा भी बनता और फिर ऐसा चलने वाला लंबा भी बनता, हे पढ़ो पंडाल, हे बड़ी रोज जिंदन जहाँ जाए वहाँ विज्ञापन बड़ा पूरा सरकार में
405 करोड़ खर्चो हो, फिर शिवराज जी कहीं गए, लाडली बहना के लिए मेरा मन रात में जग गया, 4 करोड़ में मैं 1000 रुपए मेरी बहना को दूंगा, 4 करोड़ में खर्चा करूंगा और 1000 बस समझो, यह भावना है। बहुत बात है कि ये 3000 रुपए क्विंटल का अनाज का भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाथ ऊंचा कर इनको, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यह लड़ाई हमारी सबकी है, कांग्रेस बीजेपी सब फर की है। मैंने पहला विधानसभा में गिरे तो घर घर जैन बताऊंगा, गांव गांव जैन बताऊंगा, कांग्रेस का सगड़ा विधायक लगी गया।